राइट, सो ये है दूसरे दिन की मॉर्निंग और अभी ऑलमोस्ट 10:40 हो रहा है। और ये आप सोच रहे होगे डायरेक्ट दूसरे दिन की मॉर्निंग कैसे हुई, तो आपको बताना चाहूँगा कल ऐसे एक सीन हुआ है, मतलब लिटरली पूरी रात हम लोग कोई सो नहीं पाए। कल जैसे मैंने आपने मेरा लास्ट फुटेज देखा रहेगा, मैं शूट करने जा रहा था, उसके बाद हम लोग पूल साइड आए थे। पूल साइड आके मेरा गोप्रो का बैटरी डेड हो गया, इसलिए हम फोटो शूट करने लग गए थे। और फोटो शूट करते करते बारिश आ गई, इसके लिए हम फटफट साइड में चले गए। गोप्रो मेरा उधर ही रह गया था, ये अब भी जो शूट करो ये मेरा अब भी गोप्रो से हो रहा है। इसके लिए गोप्रो मिलने के बाद ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद की बात होता तो गोप्रो हम लोग उधर ही भूल गए। इसके बाद हम लोग गए माथेरान मार्केट जाके आए हम लोग ने। वहाँ से खाने के लिए थोड़ा हम लोग ने शॉपिंग वगैरह किया, फिर उसके बाद हम लोग आए कैंटीन, वहाँ पर हम लोग ने चाय वगैरह पिए। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अरे कुछ तो मिसिंग हो, तब देखा तो गोप्रो नहीं है। तो उसके बाद लगभग 7 बजे का टाइम था, 7 बजे के टाइम पर हम लोग नीचे आए, यहाँ पे आए रिसेप्शन में, हमने बताया कि ऐसे ऐसे गोप्रो हमारा बाहरी पूल पर रह गया था और मिल रहा नहीं है ऐसा ऐसा। तो स्टाफ ने बताया कि वहाँ पे तो कोई गया नहीं, दो कस्टमर्स थे उनकी भी रूम की चेकिंग हम लोगों ने कर ली। बेचारे कस्टमर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हमें चेकिंग भी करने दी। और फिर बाद में भी हमारा कुछ गोप्रो मिला नहीं। ऐसे करते करते रात के 8-9 बज गए, हम लोग ढूंढ रहे थे, गोप्रो मिला ही नहीं किधर हम लोग को। और मैं इतना श्योर था कि मैंने एक चेयर पर रखी थी, वो चेयर भी अभी आपको दिखा दो मैं किधर रखा था। उसके बाद मैं वहाँ से कन्फर्म था कि मैंने तो गोप्रो जो है वो मेरा पूल साइड में ही था। हम लोग ने जो भी स्टोरीज वगैरह निकाली सब क्रॉस चेक किए, तो उसमें गोप्रो उधर ही था हमारा। फिर उसके बाद हम लोग ने सोचे रिसेप्शन मदद नहीं कर पा रही है, हम लोग गए माथेरान के पुलिस स्टेशन। कल रात में उधर गए हम लोग, लगभग 8-9 के टाइम पे हम लोग ने जाके उधर कंप्लेंट दर्ज करा दी। हमारी जैसे कि हम लोग को उसका कुछ कंप्लेंट एक पेपर भी मिला था, रात में 24 आवर्स के अंदर पहले सर्च करना होता है। इसके लिए कल रात में कंप्लेंट हम लोगों ने दर्ज करा दी पुलिस स्टेशन में जाके। फिर उधर से फिर भी हमने रिसेप्शन पर एक बार बताया कि अगर भूले भूलती से किसी ने उठा लिया है तो उनको बोल देना लेके आ जाए। हम लोग उनको कुछ नहीं बोलने वाले, हमें बस हमारे कैमरे से मतलब है, हम सिर्फ कैमरा दे दो, हम कुछ नहीं बोलने वाले। तो भी स्टाफ कोई भी एग्री नहीं कर रहा था कि उन्होंने किसी ने उठाया है करके। फिर उसके बाद मैं जाके मिला होटल के मैनेजर से। मैनेजर से मिलने के बाद मैंने सब उनको बताया ऐसा ऐसा है। और फिर बात पंगे पे आने वाली थी, क्योंकि गया तो क्या मेरा पूल साइड से था, इतना भी मैं कंफर्म था। और कोई स्टाफ एग्री ही नहीं कर रहा था उनका कि उन्होंने देखा है करके। उसके बाद देखे रात में ढूंढे 11 बजे, तो कुछ नहीं मिला हम लोग को। हमने पूरा ढूंढ लिए थे, किधर भी हमारा गोप्रो नहीं मिला, सेम जगह पर हमने ढूंढने के बावजूद हमें नहीं मिला। और फिर आज सुबह हम लोग जब उठे तो मैं 6-7 के आसपास ही उठ गया था। और जैसे मैं उठा पहले मैं नीचे आके बोला कल रात में अंधेरा था इसलिए नहीं दिखा रहेगा, अभी जाकर फिर से देख लेता हूँ। अभी भी आया तो मेरे आधा स्टाफ बोला कि मिला नहीं। फिर बाद में एक स्टाफ मुझे आके बोल रहा है कि आपका कैमरा जो है मिल गया, और वो जो जो साफ़ सफाई करने वाले थे उन्होंने उठा के रखा था। फिर मैं इधर से मिला चलो बोला ठीक करके, तो उन्होंने उधर मेन ऑफिस में जमा करके रखा था। फिर मैं उधर गया, उधर जाके उनसे बात भी किया, तो उन्होंने कैमरा जब हम लोग किए वेरीफाई वगैरह तो उसके बाद उन्होंने हमें दे दिए। मगर एक बात ऐसी भी क्या, इधर के स्टाफ ने मुझे बताया कि साफ़ करने वालों को मिले, उधर उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को बोला वो लोग ने डर के सामने से दे दिया। अभी दो अलग अलग स्टेटमेंट है। मुझे अभी ये नहीं समझ आ रहा कि कल हम लोग कैमरा सच में हम लोग ठीक से नहीं देख पाए, क्या ये लोग में से किसी ने उठा के रखा था। अभी सबको तो हम लोग तो कंफर्म है क्या चीज़ हुई है रात में, मगर वो पुलिस स्टेशन में जाने की वजह से शायद किधर तो डर आया और ला के उन्होंने जमा कर दिया, ऐसा मेरे को लग रहा है। मगर छोड़ो, होप फॉर द बेस्ट, मतलब बोलते हैं ना एंड ऑफ द डे हमारा दिन अच्छा गया, मेरा कैमरा मुझे मिल गया, मैं ब्लॉगिंग फिर से कर पा रहा हूँ अभी, तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट है। क्या चलो ठीक है, कल रात में बहुत प्रॉब्लम हुआ, पूरा पार्ट बोलते ना एंजॉय का पूरा सबका मूड होगा, हम पाँचों के पाँचों लोग कल कैमरा ही ढूंढ रहे थे पूरा। बट फाइनली आज सुबह मिला, खुशखबरी तो आई कि मिला है करके। अब वो कैसे आई वो मुझे नहीं मालूम है, बट शायद आप लोग भी समझ गए होंगे कैसे आया कैमरा। तो दैट्स इट, अभी एंड ऑफ डे इतना ही बोल सकते हैं, कैमरा मिल गया। तो बस यही था हमारा मेन मोटिव, मिल गया वही मेन बात है हमारे लिए। और एक बार मैं आपको जगह दिखा दूँ मैं किधर बोला था, देखो ये जो रेड चेयर है, ये रेड चेयर के ऊपर हमारा कैमरा था, इधर हम लोगों ने शूट किया था पूरा। और उनका कहना है कि हम लोग ने इधर देखा नहीं, हमारा कैमरा इधर मिला है, इधर किधर यहाँ पे अंदर डाला हुआ था बोर्ड। अभी इतना तो मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं कि ये कैसे अंदर गया रहेगा, या फिर जानबूझ कर रहेगा, क्योंकि हम लोग ने कल पूरा झाड़ वो साफ साफ एकदम अच्छे से देखा था। 5 लोग देख रहे हैं और फिर भी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है
मगर यही कहूँगा कि अभी कहीं भी जा रहे हो, एक तो इनके इधर हम लोग आए थे, हमने बोले सीसीटीवी चेक करो, इनके पास कोई सीसीटीवी काम नहीं करता है, सब सीसीटीवी बंद है, वो सब बस शो के लिए लगे हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे बंदर वगैरह है, इसके लिए हमने बंद करे, मगर ये वैलिड रीज़न होता ही नहीं, क्योंकि और भी कुछ, एक तो ये हिल स्टेशन है, और भी कुछ सीन हो सकते हैं यहाँ पे, तो सिक्योरिटी के लिए मतलब कस्टमर जो आ रहे हैं उनके सिक्योरिटी के लिए एक सीसीटीवी तो चालू होना चाहिए। अगर सीसीटीवी चालू होता तो हमें इतना करना ही नहीं पड़ता, पुलिस स्टेशन तक जाना ही नहीं पड़ता। अभी जैसे कि बताया मैंने 10:40 मतलब 11 बजने का टाइम हो गया, इधर से चेकआउट भी करना है और मुझे पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें इन्फॉर्म करना है कि मेरे को मेरा कैमरा रिटर्न मिल गया है, क्योंकि फिर वो आगे 24 आवर्स के बाद अलग सीन रहता है, तो इसके लिए मैं पहले जाके इन्फॉर्म कर देता हूँ मिल गया। बढ़िया ट्रिप, बहुत अच्छे से याद रहेगी, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत सही ट्रिप हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन दिस इज सेवा साइनिंग ऑफ।